एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपने अपने घरों में सेफ होंगे। गाइस, कोरोना के केसेस अभी कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जो हमें गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की है उसे हमें फॉलो करते रहना है एंड खुद को और अपनी फैमिली को सेफ रखना है। तो चलिए बिना देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा DIY विंटर स्किन केयर मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिससे आप सब हैरान होने वाले हैं। घर पे मौजूद इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से हम इतना अच्छा मॉइस्चराइजर कैसे बना सकते हैं? एंड गाइस, अगर आप ये मॉइस्चराइजर बनाना एक बार सीख गए ना, देन आपको कोई भी एक्सटर्नल मॉइस्चराइजर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई अश्योर यू दैट। गाइस, क्या आपको पता है कि 100 में से 90% लोग जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिजिटल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रखे होते हैं। लाइक आपका स्पोर्ट्स पर्सन, आपका फेवरेट फिल्म स्टार, आपका फेवरेट यूट्यूबर जो प्रोडक्ट्स बताता है आप उसे यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट गाइस, गलती तब होती है जब आप बिना किसी चीज़ को स्टडी किए, किसी चीज़ के बारे में जाने, आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हैं। सो गाइस, मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट को खरीदिए, देन उसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगाइए, उस बारे में स्टडी कीजिए कि वो आपके स्किन टाइप का है या नहीं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिसको मैंने बनाया है। सो गाइस, आप देख सकते हो ये कंटेनर। आपको लग रहा होगा ये तो निविया क्रीम है, बट ये निविया नहीं है, ये बस एक कंटेनर है निविया का। बट इसके अंदर जो क्रीम मैंने बनाया है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। एंड इसे बनाना गाइस बहुत ही इजी है, और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो सब आपके घर में ईजिली मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स जो आज मैं यूज करने वाली हूँ आज का मॉइस्चराइजर बनाने के लिए। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज रोज एसेंशियल ऑयल, द सेकंड वन इज ग्लिसरीन, एंड द नेक्स्ट वन इज रोज़ वाटर। सो मैंने यहाँ डाबर का रोज़ वाटर लिया है, आप चाहो तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट इज एलोवेरा जेल। सो गाइस, मैंने एलोवेरा के लीफ को ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लिया है, आप चाहो तो मार्केट से कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। एंड इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक खाली बोल और एक स्पून उसे अच्छे से मिक्स करने के लिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एलोवेरा से। आप चाहो तो किसी भी ब्रांड का एलोवेरा यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने नेचुरल अपने घर का एलोवेरा यूज़ किया है। अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ है तो आप उसे ही यूज़ कीजिए। सो नेक्स्ट आपको लेना है रोज़ वाटर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डाबर का ही रोज़ वाटर यूज़ कीजिए, आपको जो ब्रांड सूट करता है आप वो रोज़ वाटर ले सकते हैं। सो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ रोज़ वाटर यूज़ किया है। सो गाइस, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा ग्लिसरीन। तो गाइस, ग्लिसरीन आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ग्लिसरीन यूज़ करेंगे देन वो बहुत ही ज़्यादा आपका मॉइस्चराइजर ऑयली हो जाएगा। तो आप ट्राई करो कि आप ग्लिसरीन 1 टेबल स्पून या उससे भी कम आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ मैं 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन इसमें यूज़ कर रही हूँ। एंड हमारा जो फाइनल इंग्रेडिएंट है वो है रोज़ एसेंशियल ऑयल। सो इसे भी मैंने खुद से ही बनाया है। अगर आप जानना चाहते हो कैसे, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इसका DIY आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, इस मॉइस्चराइज़र को बनाने के लिए ये ऑयल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस मॉइस्चराइज़र का जो फ्रेग्रेंस है और जो इसका एक्चुअल मॉइस्चर आएगा वो इसी ऑयल की वजह से आता है। सो आप देख सकते हो यहाँ मैंने सभी इन्ग्रीडियंट्स को एक बोल में अच्छी तरह से डाल के और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सो आपको यहाँ 1 से 2 मिनट तक अच्छे से स्टर करना है, एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ ब्यूटीफुल चेंज इन द ब्लेंड। गाइस, ट्रस्ट मी, ये मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा काम करता है। सो आप जितनी अच्छी तरह से मिलाएंगे, आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट मॉइस्चराइजर कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। आप देख सकते हो इसे स्क्रीन पर, एक बहुत ही अच्छा सा यूनिफॉर्म एंड स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है। एंड इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है गाइस। सो यहाँ मैंने 4 चीज़ें यूज़ की हैं, ये चारों ही स्किन केयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है। विंटर्स में आपकी स्किन कितनी भी ड्राई क्यों ना हो, अगर आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपका जो ड्राइनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एंड गुलाब जल आपकी स्किन को ब्राइटन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। एंड एलोवेरा के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, ये स्किन को कितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है और इसकी कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं गाइस, लाइक एंटी रिंकल, एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल। एंड अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो
तो इसके फ़ायदे तो आपको पता ही होंगे। सो गाइज, जब ये मॉइस्चराइजर बन के रेडी हो जाए देन टाइम टू शिफ्ट इन टू आवर ब्यूटीफुल जार। सो अब मैं इसे अपने खाली कंटेनर में अच्छी तरह से रख लूँगी। एंड गाइज, अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में आपको बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी गाइज, दैट काइंड ऑफ मॉइस्चर इट गेव टू माई हैंड, आई कांट टेल यू। आप देख सकते हो कितना ईजली ये अब्जॉर्ब हो जाता है। सो आपको थोड़ी देर तक अच्छी तरह से इसे अपने हाथों में मिलाना है, देन आप देख सकते हो ये कितना स्मूद और कितना सॉफ्ट लग रहा है मेरा हाथ। एंड गाइज, ट्रस्ट मी, ये स्टिकी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है, आपके हाथों में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, जैसा कि आपने देखा अभी। सो गाइज, आप इस मॉइस्चराइज़र को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो गाइज, इससे सिंपल और क्या हो सकता है, इतने कम समय में इतने कम इंग्रेडिएंट्स से इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड आपको पता है ये मेरी फैमिली में सबको पसंद आया है, एंड मेरी फैमिली में सबकी स्किन टाइप अलग अलग है, इट मीन्स कि ये सारे स्किन टाइप को बहुत ही अच्छे से सूट करता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इतने अच्छे मॉइस्चराइज़र के बारे में पता चल सके। सो आई होप आपको ये मॉइस्चराइज़र पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।